हेलो फ्रेंड्स, तो मैं राजू वघेला आपके फेवरेट चैनल रॉयल डॉग में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और इस कोरोना काल महाकाल से पूरा देश जूझ रहा है, तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो आज हमारा फ्रेंड्स जो टॉपिक रहेगा वो है डॉग के प्रति, यानी मेरा जो चैनल है वो है रॉयल डॉग। इसमें आपको सारी डॉग के प्रति, जो पालतू डॉग और जो स्टे डॉग जो बाहर गले में घूमते, जो हम कहते थे कि देसी डॉग भी, इन सब के बारे में हम उनको वीडियो में बताएंगे आपको कि इसको क्या करना है, इनकी रक्षा कैसे करें, इनका बचाव कैसे करना है। आप इस वीडियो देखते रहिए और प्लीज मेरे चैनल रॉयल डॉग को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। ये राजस्थान का कही जाने वाली देसी खीरा काकड़ी है, जो ह्यूमन के लिए और पेट्स कोई भी एनिमल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये जितना दिखने में टेस्टी अच्छा है, उतना खाने में भी टेस्टी अच्छा है। ये ह्यूमन सलाद के रूप में खाते हैं और डॉग भी सलाद के रूप में देते हैं। जैसे कि मैं इसको वीक में 3 दिन देता हूँ, जब भी देता हूँ इसको एक ककड़ी को 2 पीस करके दिन में 2 बार देता हूँ। और ये डॉग की पानी की आपूर्ति को पूरा करता है। और ये मेरे जो जर्मी डॉग है फीमेल, इसका फेवरेट फूड है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये खीरा ककड़ी इसका फेवरेट है, शकरकंदा इसका फेवरेट है, आलू इसका फेवरेट फूड है और एक एग इसका फेवरेट फूड है। और रेडीमेड फूड में कहे तो इसका रॉयल कैनल और पेडिग्री फूड एकदम फेवरेट फूड है। इसको पसंद से खाती है और अच्छे शौक से खाती है। तो अब मैं इसका छोटे छोटे टुकड़ों में करूँगा। ये आप देख लीजिए, ये देखो, ये खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसमें। और मैं इसको दिन में आपको बताया था कि 2 बार देता हूँ, तो अभी दोपहर के 2 बजे हैं, इसका मतलब लंच का टाइम हो चुका है। एकदम मॉर्निंग हम 7 या 7:30 के बीच में दे देते हैं इसको खाना। वो मम्मी देती है, इसके आलू के पराठा देती है, कभी घी के पराठा देती है, पर ज़्यादातर हम आलू के पराठा देते हैं इसको। और दही रोटी भी देती है और बाजरी का भी रोटी देती है इसको। ये देखिए, अब इस ककड़ी के साथ थोड़ा सा हम इसको अमरूद भी देंगे। अमरूद वैसे इसके लिए नहीं लाया था, अमरूद हमारे घर के लिए है, फिर भी मैं इसको थोड़ा अमरूद दूंगा क्योंकि ये ऐसा डॉग है जो मेरे घर में है, वो हर एक चीज़ खाता है। बाकी मैंने सुना है कि डॉग कम खाता है, खाने में बहुत सारे वो ऐसे नखरे करता है, पर जैसे मेरा जो जमी है ये कोई भी फूड खा लेता है, किसी की प्रकार का इसको ना करने की इसकी आदत नहीं है। हर एक फूड, चाहे वो वेजिटेरियन हो, चाहे नॉन वेज हो, चाहे बाहर का रेडीमेड फूड हो, कोई भी चीज़ ये खा लेता है। जो आजकल ह्यूमन खाने वाली चीज़ें सब ये खाता है। और मैं इसको एक डॉग की तरह नहीं, अपने घर में बच्चे की तरह रखता हूँ, ताकि देखिए आप इसकी कैसे मैं केयर करता हूँ, वो आप देख के बताइए, मैं अपने कहने से कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ आप भी अपने घर में डॉग या बड़ा पेट्स हो तो उसको भी आप ये खीरा ककड़ी दे सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको गर्मी सर्दी, आप कभी भी दे सकते हो, ये अवेलेबल फूड है और इसकी सेहत के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है इसके लिए। और प्लीज़ एक बात का आप ध्यान रखना, जब भी आप अपने पेट्स को खाना देते हो, चाहे कुछ भी खाने में देते हो, तो प्लीज़ उसके खाने में हाथ ना डालें, क्योंकि वो खाने से डॉग एग्रेसिव होगा और वो आपको काट भी सकता है। ये डॉग का एक नेचुरल हैबिट है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना है। कोई भी फूड प्लीज़ इसके खाने में हाथ ना डालें, जैसे ही हाथ डालोगे आपके ऊपर अटैक कर देगा ये। अब मैं वॉश करके इसको अमरूद दूंगा, बिल्कुल पका हुआ अमरूद है, वो इसके लिए तो नहीं है पर मैं देता हूँ, ये मेरी फैमिली के लिए है पर मैं इसको देता हूँ। और ये खा लेगी किसी भी चीज़ से, इसका वो इनकार का सिस्टम ही नहीं है, खाती है और अच्छे से खाती है। तो अब इसका लंच है वो एकदम पूरी तरीके से तो नहीं हो पाया, बस इसका वेजिटेरियन लंच हो चुका है। अब मैं इसको दूंगा, वो बॉईल हो रहा है इसके लिए, राइस और आलू, ये 2 चीज़ का मैं और लंच करूँगा, वो 10-15 मिनट बाद में कराऊँगा, फ़िलहाल इसको मैं ये वेजिटेरियन दे रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो क्या आने वाली वीडियो की हर एक अपडेट आपके पास आती रहेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें सब्सक्राइब करते हो ये ना भूले कि उसकी घंटी ना दबाएं, प्लीज़ उसकी बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट की घंटी आपके पास भी अपडेट रहेगी। थैंक यू फ्रेंड।